निरंकारी मिशन की सद्गुरु सुदीक्षा जी महाराज ने स्वैच्छिक सेवा का किया उद्घाटन। निरंकारी मिशन की सद्गुरु सुदीक्षा जी महाराज ने रविवार को 76वां वार्षिक निरंकारी संत समागम संत निरंकारी आध्यात्मिक परिसर समालखन गनौर जीटी में समागम स्थल पर स्वैच्छिक सेवा का उद्घाटन किया। जैसा कि वार्षिक सर्वविदित ही है कि इस वर्ष का वार्षिक निरंकारी संत समागम दिनांक 28, 29 एवं 30 अक्टूबर 2023 को आयोजित होने जा रहा है। इस अवसर पर संत निरंकारी मंडल कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्य, केंद्रीय योजना एवं सलाहकार बोर्ड के सदस्य, सेवा दल के अधिकारी, स्वयं सेवक तथा दिल्ली एवं आसपास के क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तों ने दिव्य युगल का स्वागत किया। सेवा के शुभ अवसर पर श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए सद्गुरु महाराज जी ने कहा कि सेवा केवल तन से न होकर जब सच्चे मन से की जाती है तभी वह सार्थक कहलाती है। सेवा वही सर्वोत्तम होती है जो निस्वार्थ एवं निष्काम भाव से की जाए। सद्गुरु माता जी ने सेवा भाव के महत्व को बताते हुए कहा कि ब्रह्म ज्ञान का बोध होने से उपरांत ही हमारे अंत मन में नरसेवा नारायण पूजा का भाव उत्पन्न होता है। तब हम प्रत्येक मानव में इस निरंकार प्रभु का ही अक्ष देखते हैं। सद्गुरु माता जी ने सेवा की सार्थकता को बताते हुए आह्वान दिया कि निरंकारी मिशन का प्रत्येक श्रद्धालु भक्त यहाँ पर प्राप्त होने वाली सिखलाइयों से निरंतर प्रेरणा ले और एक सुंदर समाज के नव निर्माण में सहयोग दे। समागम स्थल पर जैसे ही सेवा का विधिवत उद्घाटन हुआ, हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्त, जो सेवा को ईश्वर भक्ति का एक अनुपम उपहार मानते हैं, वह सेवाओं में तन्मयता से जुट गए और अपना अल्प योगदान देने लगे। सभी श्रद्धालु भक्त यह भलीभांति जानते हैं कि तन मन धन से की जाने वाली निस्वार्थ सेवा ही सर्वोत्तम भक्ति का एक सरल माध्यम है। इसलिए वह सेवा के किसी भी अवसर को व्यर्थ नहीं जाने देते और नरसेवा नारायण पूजा के सुंदर भाव से चरितार्थ करते हुए उसे प्राथमिकता देते हैं। वास्तविक रूप में सेवा का भाव ही मनुष्य से सही मायनों में मानवता का दिव्य संचार करते हुए उसे अहम भावना से रहित करता है। सोनीपत से अर्थ प्रकाश के लिए आदेश त्यागी की रिपोर्ट। वार्षिक निरंकारी संत समागम की शारीरिक सेवाओं का शुभारंभ सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज निरंकारी राजपिता रमेश जी के कर्मों द्वारा हुआ है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और सभी ने आने वाले समागम की सफलता के प्रति कामनाएं की। 28, 29 और 30 अक्टूबर को आने वाले दिनों में 3 दिन का ये निरंकारी संत समागम यहाँ संपन्न होगा, जिसमें 3 दिन सत्संग के कार्यक्रम होंगे, सेवा दल की रैली होगी, कवि सम्मेलन होगा और 3 दिन समापन जो है सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के प्रवचनों के साथ होगा। कितनी संख्या में श्रद्धालु पहुँचने की उम्मीद है, कौन कौन सी कंट्री से? लगभग 8 से 10 लाख श्रद्धालु पूरे भारत और विश्व भर से यहाँ पर आ रहे हैं, देश के तो सभी कोनों से आ रहे हैं और लगभग 50 दूर देशों से भी श्रद्धालुओं के आने की इच्छा। सुरक्षा को लेकर हमारे अपने सेवा दल के लगभग 1 लाख वॉलंटियर्स इस सारे परिसर में अपनी सेवाएं अर्पित करेंगे और यहाँ पर एक कोने कोने पर, हर एक कोने पर जो है CCTV कवरेज है और उनको मॉनिटर करने के लिए भी पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए। पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग हमें हमेशा मिलता है और इस बार भी मिल रहा है। पुलिस प्रशासन जो है अपनी मुस्तैदी से काम कर रहा है। ठीक। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।